हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद, आप देख रहे हैं हेल्पफुल्ला सा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रोज की तरह आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ IRCTC इंडियन रेलवे से रिलेटेड चार लेटेस्ट अपडेट। पहला लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो महाकाल एक्सप्रेस के शेड्यूल के बारे में होगा। महाकाल एक्सप्रेस का शेड्यूल आ चुका है। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो कहाँ पर हुआ है फुट ओवर ब्रिज का हादसा, इसके बारे में होगा। तीसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा होली स्पेशल ट्रेन के बारे में होगा। चौथा लेटेस्ट अपडेट जो होगा तत्काल टिकट बुक करते हुए कहाँ एजेंट पकड़े गए इसके बारे में होगा। तो दोस्तों, चारों लेटेस्ट आपको कुछ नई जानकारी देंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले लेटेस्ट अपडेट के। पहला लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है महाकाल एक्सप्रेस के बारे में निकल कर आ रहा है। IRCTC की तीसरी प्राइवेट ट्रेन महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर के लिए चलाई जाएगी। हो सकता है 16 फरवरी को नरेंद्र मोदी यानी कि PM के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाए। अभी इसकी बुकिंग नहीं स्टार्ट हुई है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी हो। इसका जो ट्रेन नंबर रखा गया है वो रखा गया है 82401 और 82402। यहां पर पूरा शेड्यूल आ चुका है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस शेड्यूल के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है भोपाल रेलवे स्टेशन की तरफ से निकल कर आ रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर कल फुट ओवर ब्रिज गिर गया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और करीब 6 लोग घायल हो गए। ऐसी स्थिति में उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बचाव कार्य किया गया। और यहां पर आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले पीयूष गोयल जो हमारे की रेल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि भोपाल रेलवे स्टेशन को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। यहां पर कुछ पेंटिंग्स भी दिखाई थी, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब आधुनिकीकरण तो चल रहा है एक तरफ, लेकिन जो फुट ओवर ब्रिज का काम है वो किसी रेलवे स्टेशन पर कोई आधुनिकीकरण ऐसा नहीं चल रहा है। बहुत साल पुराने फुट ओवर ब्रिज हैं जो कि अभी लास्ट टाइम आपने देखा था मुंबई में गिर गया था, कई लोग उसमें मारे गए थे। दोस्तों, इस तरह के जो फुट ओवर ब्रिज हैं इनका भी आधुनिकीकरण होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे लेटेस्ट अपडेट की। तीसरा लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है होली स्पेशल ट्रेन के बारे में निकल कर आ रहा है। यहां पर होली स्पेशल ट्रेन जो है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया, लेकिन पंजाब की तरफ से इसका अनाउंसमेंट किया गया। 10 होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। यहां पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ट्रेन नंबर दिया गया है, कहां से कहां चलाई जानी है इसके बारे में डिटेल दी गई है। लेकिन अभी तक जो पूरे इंडिया के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलनी है कोई ऐसी न्यूज नहीं आ रही है। जो न्यूज आती है मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा देता हूं। तो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहां पर कितनी ट्रेन चलाई जाएगी, कौन कौन से ट्रेन नंबर है, कौन कौन से स्टेशन को कवर करने वाली हैं। तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं होली स्पेशल ट्रेन के लिए। दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे लेटेस्ट अपडेट की। चौथा लेटेस्ट अपडेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक मैं काफी दिन से कवर कर रहा हूं तत्काल टिकट सॉफ्टवेयर और तत्काल टिकट बुकिंग के ऊपर। तो यहां पर जो अपडेट निकल कर आ रहा है, अवैध तरीके से तत्काल टिकट काटने पर पहुंचाया गया जेल। अब यहां पर जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो बिहार से निकल कर आ रहा है। बिहार में आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कहां पर ये एजेंट पकड़े गए तत्काल टिकट बुक करते टाइम। वैसे मेरे एक व्यूअर ने बताया था कि मथुरा में भी एक एजेंट पकड़े गए उनके आंख के सामने, उन्होंने कल कमेंट करके मुझे बताया था। तो दोस्तों, ऐसे काम मत करिएगा कि ऐसे कार्रवाई हो जाए और पकड़ लिए जाए और सारा पैसा एक बार में ही आपका चला जाए। दोस्तों, ये सभी लेटेस्ट अपडेट आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।